बदरपुर से दो बार विधायक रह चुके राम सिंह नेताजी के बेटे तरुण कुमार को हनी ट्रैप कर 70,000 रुपए ठगने के मामले में पुलिस ने पवन कौशिक नामक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पवन ने इंस्टाग्राम में महिला की फर्जी आईडी बना रखी थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि राम सिंह नेताजी के परिवार को बदनाम करने के लिए महिला की फर्जी आईडी बनाने वाला आरोपी बदरपुर से पूर्व विधायक एनडी शर्मा के साले का बेटा है। गिरफ्तार आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दक्षिण पूर्व जिला डीसीपी आरपी मीणा ने बताया कि 1 जुलाई को बदरपुर पुलिस स्टेशन में राम सिंह नेताजी के बेटे तरुण कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि इंस्टाग्राम पर पीहू नामक युवती ने पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फिर कुछ दिन बाद युवती ने कहा कि उसके पास तरुण की अश्लील फोटो है, अगर वो उसे 5 लाख रुपए नहीं देगा तो वो तस्वीरों को घर वालों को भेज देगी। पीड़ित ने डरकर करीब 70,000 रुपए दे दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी बदरपुर ने बदरपुर थाना एसएचओ विजय पाल दहिया के नेतृत्व में एसआई विवेक गौतम और हेड कांस्टेबल सुनील की एक क्रेक टीम बनाई। जांच टीम ने साइबर सेल की मदद से आरोपी की इंस्टाग्राम आईडी की जांच की। आरोपी ने पीड़ित को ब्लैकमेल करके 70,000 रुपए 3 अलग अलग बैंक खाते और मोबाइल यूपीआई में मंगवाए थे। बैंक खाते और मोबाइल यूपीआई की मदद से पुलिस ने साजिश की सारी परतें उधेड़ दी। जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई, पीड़ित तरुण को ब्लैकमेल करने वाली कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का था। आरोपी की पहचान सौंध पलवल निवासी पवन कौशिक पुत्र धोले राम के रूप में हुई। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि आरोपी बदरपुर से पूर्व विधायक एनडी शर्मा के साले का बेटा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पवन कौशिक ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने ही इंस्टाग्राम पर महिला की फर्जी आईडी बनाकर तरुण को ब्लैकमेल किया था। आरोपी पवन कौशिक ने इंटरोगेशन के दौरान बताया कि तरुण अपने पिता राम सिंह नेताजी की तरह राजनीति में सक्रिय हो गया था, इससे आने वाले चुनावों में काफी असर पड़ता, इसलिए तरुण को टारगेट किया और इंस्टाग्राम पर महिला की फर्जी आईडी बनाकर अपने जाल में फंसाया। आरोपी ब्लैकमेल करके पैसे ठगने के साथ तरुण और उसके पिता राम सिंह नेताजी का राजनीतिक कैरियर खत्म करना चाहता था। आरोपी पवन कौशिक ने आगे बताया कि तरुण को टारगेट करने में बल्लभगढ़ निवासी अमित अग्रवाल और सौंध पलवल निवासी सचिन कौशिक पुत्र युद्धवीर के अलावा अन्य और भी लोग हैं। पूछताछ के बाद बदरपुर से पूर्व विधायक एनडी शर्मा के साले के बेटे पवन कौशिक को तिहाड़ जेल भेज गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापे मार रही है। जांच अधिकारी के अनुसार साइबर सेल की रिपोर्ट आने के बाद और इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। मामले की जांच जारी है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहें हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।